नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। आदमपुर में तेज रफ्तार बस खेतों में पलटी, सवारियों में मची चीख पुकार। सीआईए स्टाफ जालंधर देहात की पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 150 ग्राम हेरोइन की बरामद। अमृतसर के थाना सदर और सिविल लाइन की पुलिस ने अलग अलग केसों में 6 आरोपियों को किया काबू, तेजधार हथियार, मोबाइल फोन, एक्टिवा और लैपटॉप किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। आदमपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सवारियों से भरी बस खेतों में पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार बस पेट्रोल पंप के सामने खेतों में पलट गई। हादसे में कई सवारियां घायल हुई हैं। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ है। हादसे के दौरान सवारियों में चीख पुकार मच गई। सवारियों का कहना है कि घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वे घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। की गल हुई इथे? ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਇਕੱਲੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਹੋ ਬੱਸ ਦੇ? ਕੰਡਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? सीआईए स्टाफ जालंधर देहात की पुलिस ने एक नशा तस्कर को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जालंधर देहात एसपी अंकुर गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर शरारती तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत सीआईए स्टाफ जालंधर देहात के एएसआई पिप्पल सिंह की अगुवाई में एक स्पेशल टीम आदमपुर में भेजी गई थी। इस दौरान गांव डरोली खुर्द को जाती लिंक सड़क पर एक स्कूटी पर नौजवान खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस पार्टी को देखकर स्कूटी स्टार्ट कर भागने लगा। लेकिन पुलिस ने संदेह के आधार पर तुरंत उसे काबू कर लिया और जब स्कूटी की तलाशी ली गई तो उसमें से 150 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान मनजीत सिंह उर्फ चंपी निवासी गांव हद्दोवाल कलां थाना चब्बेवाल जिला होशियारपुर के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। माननीय एसएसपी साहब जालंधर दत्ती जी, श्री अंकर गुप्ता जी, श्रीमती जसरूप कौर वाठ आईपीएस एसपीडी जलंधर जाती जी के योग रहनुमाई हेठ इंस्पैक्टर सीआईए श्री धर्मिंदर कल्याण जी वालों पुलिस पार्टी एएसए पिप्पल सिंह की अगवाई थाना आदमपुर एरिए छठी पुरुषों की तलाश वास्ते भेजी गई सी, जिन्होंने दौराने गश्त व चैकिंग एक व्यक्ति नूं काबू करके उसका नाम पता पुछया, जिसने अपना नाम मनजीत सिंह उर्फ चप्पी सन ऑफ चरण सिंह वासी हंदोवाल कलां थाना चब्बेवाल जिला हुशियारपुर दस्सिया, जिस की तलाशी दौरान उसके कब्जे विचों उसकी एक्टिवा स्कूटरी विचों 150 ग्राम हैरोइन बरामद हुई, जिस नूं गिरफ्तार करके अज जिहड़ा पेश अदालत किया जा रहा है। इथे यह भी दसण योग है कि यह दोषी मिति 7/1/23 नूं ही हुशियारपुर जेल तों बाहर आया है, जिसके खिलाफ पहला भी 12 मुकदमे दर्ज हैं, जो एनडीपीएस एक्ट के असला एक्ट के अते होर वख-वख धाराएं अधीन दर्ज हैं। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के दिशा निर्देशों पर गलत तत्वों व लूटपाट और चोरी की वारदातों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना सदर और थाना सिविल लाइन की पुलिस ने अलग अलग केसों में वांछित 6 आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क ने बताया कि अलग अलग 4 केसों में वांछित 6 आरोपियों को काबू किया गया है, जिनके पास से तेजधार हथियार, मोबाइल फोन, एक्टिवा और एक लैपटॉप भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सिविल लाइन का केस है 49 केस नंबर है 379 का। ये असी सुखराज सिंह गिरफ्तार किया, तो ये को एक मोबाइल तो जोड़े है मोबाइल जोड़े है 7 मोबाइल जोड़े रिकवर किए हैं जी जी।
दैन सैकेंड जिहड़ा हैगा अपना नंबर हैगा 52 नंबर जिहड़ा मुकदमा नंबर है 379 बी दा हैगा। इहदे विच हरमन हरसिमरन ते हरप्रीत नूं जिहड़ा है गिरफ़्तार कीता। इहदे कोलों लेडी पर्स जिहड़ा हैगा आधार कार्ड ते इहनां ने जिहड़ा वारदात दे विच दातर वरत्या सीगा ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 50 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 379-411 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਪਟੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਅਤੇ ਓਪੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੂ ਆਯੂਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੋਟਲ 4 ਕੇਸ ਟਰੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆ ਔਰ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਟੋ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਸ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਟ ਸਾਡੇ SHO ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਅਤੇ DSP ਖੋਸਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 57 ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟੋਪ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਜ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭੁਲੱਥ ਕੇ ਮੁਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਕੋ ਚੋਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਤੇ ਹੋਏ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਯੋਂ ਕੀ ਨਕਦੀ ਤਥਾ ਲਗਭਗ 10,000 ਕੇ ਨਏ ਨੋਟੋ ਕੇ ਹਾਰ ਚੁਰਾਨੇ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਰ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆ ਤੋ ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਦੁਕਾਨ ਮੇਂ ਲਗੇ CCTV ਕੈਮਰੋ ਕੇ ਤਾਰ ਵੀ ਕਾਟ ਦੀਏ ਔਰ ਜਾਤੇ ਹੋਏ DVR ਵੀ ਸਾਥ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਿਤ ਮਾਲਕ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਪਰ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋ ਕਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਕਈ ਚੋਰੀ ਕੀ ਘਟਨਾਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰੋ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਵਹੀ ਭੁਲੱਥ ਥਾਣਾ ਕੇ SHO ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀਓਂ ਕੋ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਵਹੀ ਭੁਲੱਥ ਕੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੋਏ DSP ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭੁਲੱਥ ਸੁਰੇਂਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਮੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਵੋਂ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇ ਲੀਏ ਉਨਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਯ ਹੋਏ ਚੋਰੋ ਕੋ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੋੜਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤਰੁਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ? ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਆਹ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੋਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਸੋਮਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਹਾਰ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਦਾਖਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਗਲੀ ਵੀ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ DVR ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ।
ਡੀਵੀਆਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੋੜ ਫਾਨ ਵਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰ ਲੱਭੇ ਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੋਰ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਿਖਿਆ ਨੀ ਕੁਛ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ? ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਚੋਰ ਕੋ ਅੰਦਰ ਨੀ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਮਟ ਭੰਨਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਨੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਨਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਕੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਕਾਸੋ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਆਨੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਓ ਕੇ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕੀਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ACP ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੌਗ ਸਕੁਆਡ ਟੀਮ ਕੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ACP ਵਰਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਔਰ ਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਉਨਕੀ ਔਰ ਸੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕਰ ਵਾਹਨੋਂ ਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵ ਅਨਯ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨੋਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਅਨਹੋਨੀ ਘਟਨਾ ਕੋ ਹੋਣੇ ਸੇ ਰੋਕਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਯਾਤਰੀਓ ਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਸਤੂ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਕੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਕੋ ਦੀ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ। ਅੱਜ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਸੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡੌਗ ਸਕੁਆਡ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ARP ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2024 ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਬੜਾ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲਵਾਰਸ ਕੋਈ ਬੈਗ ਜਾਂ ਲਵਾਰਸ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਓਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ DFMD ਗੇਟਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨੀਫਰ ਡੌਗਸ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੁਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲੀ ਇਲੀਗਲ ਆ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਚਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ 2024 ਕੋ ਲੇਕਰ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧੋਂ ਕੀ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਕੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਏ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਲ ਮੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਵਹੀਂ SSP ਵਤਸਲਾ ਗੁਪਤਾ ਸਹਿਤ ਸਭੀ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਔਰ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਚੁਣਾਵ ਤਿਆਰੀਓ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਚਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਓ ਔਰ ਲਾਹਨ ਨਿਕਾਲਨੇ ਵਾਲੋਂ ਪਰ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਐਸੇ ਮਾਮਲੋਂ ਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਬਣਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏ। ਵੀ ਉਨ੍ਹੋਂ SDM ਵ DSP ਕੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਿ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵੋਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਬਾਧਾ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਸੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਬਲ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਥਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਬੜਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸੰਦਿਗਧ
या असामाजिक गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस दौरान मीटिंग में बताया गया कि प्रत्येक सब डिवीजन में 9 टीमें 3 शिफ्ट में लगातार कार्यरत हैं। डिप्टी कमिश्नर ने सिविल और पुलिस अधिकारियों को शराब की सप्लाई की ठीक से जांच करने को कहा। गौरतलब रहे कि टीमों द्वारा जिले में अब तक 15,612 लीटर लहान की बरामदगी की जा चुकी है। तो वहीं SSP वत्सला गुप्ता ने पुलिस अधिकारी को निर्देश दिए कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में बरकरार रखा जाए। इस मीटिंग में अन्य लोगों के अलावा नगर निगम कमिश्नर अनुपम कलेर, SPD सरबजीत राय, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर शिखा भगत, SP हेडक्वार्टर गुरप्रीत सिंह गिल, SDM, DSP नोडल अधिकारी और विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जीरा ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक नियमों पर खरा ना उतरने वाली स्कूल वैनों के चालान काटे गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रैफिक इंचार्ज बलौर सिंह ने बताया कि SSP फिरोजपुर के आदेशों की पालना करते हुए उनके द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में नाकाबंदी के दौरान ट्रैफिक नियमों पर खरा ना उतरने वाली 10 स्कूली वैनों के चालान काटे गए हैं और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। मानजोग SSP साहब श्री सोमिया मिश्रा IPS उन्होंने दिशा निर्देशों तहत भुपिंदर सिंह DSP हेडक्वार्टर अनुसार जो मानजोग सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी तहत जी स्कूली वैन उन्होंने चालान किए गए। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ? ਕਰੀਬ 10-12 ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ। आज के आधुनिक समय में सरकारी स्कूलों के छात्र अपनी उपलब्धियों से प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं और समय समय पर सरकारी स्कूल के छात्रों की उपलब्धियां सभी के सामने आती रहती हैं। एक बार फिर होशियारपुर के सरकारी हाई स्कूल गोविंदपुर खुनखुन की छात्रा ने बड़ा मुकाम हासिल कर ना सिर्फ अपने माता पिता बल्कि अपने जिले और पंजाब का नाम पूरे देश में रोशन किया है। दरअसल सरकारी हाई स्कूल गोविंदपुर खुनखुन की 10वीं कक्षा की छात्रा गुरलीन कौर को इसरो के यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए नियुक्त किया गया है और गुरलीन कौर की इस उपलब्धि पर स्कूल और परिवार में खुशी का माहौल है। गुरलीन कौर ने बताया कि 2 हफ्ते के लिए वे इसरो के वैज्ञानिकों से बातचीत करेगी और उससे वहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो वहीं स्कूल की मुख्य अध्यापिका स्मृतु राणा और विज्ञान अध्यापक पवनदीप चौधरी ने गुरलीन कौर के परिवार को बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं गुरलीन कौर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वे इसरो में जाने के लिए काफ़ी समय से तैयारी कर रही थी और कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में पढ़ाई कर वैज्ञानिक बनना चाहती है। तो वह स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इससे पहले भी उनके स्कूल के एक छात्र की इसरो में नियुक्ति हो चुकी है और लगातार दूसरी बार उनके स्कूल के किसी छात्र की नियुक्ति अपने आप में एक गर्व की बात है। इस मौके पर गुरलीन कौर के माता पिता ने भी खुशी जाहिर की और अपनी बेटी की उपलब्धि पर गर्व महसूस किया। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। मेरे लिए बहुत बड़ी माण वाली गल है क्योंकि इसरो कोई छोटी जगह नहीं हैगी। इसरो जाना बहुत वड्डी गल हुंदी है ते इसलिए मैनूं ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं बहुत खुश हाँ। इस तो पहला भी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਫਰੋਮ ਹੈਂਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹੈਂਡਮੇਡ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੇਰਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਵਨ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਂਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਡ ਮੈਮ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 9th 'ਚ ਸੀਗੀ ਹੁਣ 10th 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ IIRS ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਪਵਨ ਮੈਮ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਵਨਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਸਾਇੰਸ ਮਿਸਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ।
असी तुहाडे माध्यम तो ही पेरेंट्स नू बाकी पेरेंट्स नू असी कहना चाहते, मैं अपील करना चाहनी है कि वध तो वध सरकारी स्कूलों के विच अपने बच्चे पाओ। इस तो पहला भी तो एक स्टूडेंट से अचीवमेंट प्राप्त कर चुके हैं, हुण दूसरी बार तुहाडे बच्चे ने उपलब्धि हासिल की है तुहाडी स्कूल के बच्चे ने? हाँ जी, ये पहला साड़ी सुखदीप कौर गई सी पिछले साल, इस साल साड़ी गुरलीन कौर का सिलेक्शन होया है। बहुत ज़्यादा प्राउड वाली गल है, कल ही साडे सिक्ख्या मंत्री सरदार हरजोत बैंस जी ने अपने फेसबुक पर साडे बच्चे का पाया सीगा, उन्होंने भी शेयर किया सीगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड वाली गल है कि लगातार दो साल साडा बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। हाँ जी, मैनू तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि हाँ सैकेंड टाइम भी मेरा बच्चा सिलेक्ट होया है, तो अगे भी असं कोशिश करांगे कि इस तरह ही सरकारी स्कूल के बच्चों प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बराबर लिया के खड़ा करिए, ताकि जो बच्चे है साडे नीडी बच्चे है डिजर्विंग बच्चे है, असी उन्होंने भी वो सारी ऑपरचुनिटीज प्रोवाइड करिए जो कि बाकी बच्चे अवेल करते हैं। इस मुकाम तक पहुँचने लिए कि मैम प्रोटोकॉल क्या है, किमें अप्लाई होंगे या किस तरह इस मुकाम तक पहुँचे जाते जी? इस दे लई सर बच्चा जिहड़ा हैगा पहला तो ओवरऑल जिहड़ा बच्चा पढ़ाई दे विच भी वधिया होना चाहिए हैगा, तो उस तो इलावा जिहड़ा हैगा आ कि उहदी जनरल नॉलेज मैंटल एबिलिटी साइंस विषय दे विच मैथ्स दे विच स्पोर्ट्स दे विच भी अगे होना चाहिए, जिहड़े कि साडे अध्यापकां ने साडा बहुत ज़्यादा साथ दिता, तो बाकी ओवरऑल जिद्दां बच्चा प्रोजेक्ट्स करता हैगा कि नैशनल लैवल ते स्टेट लैवल ते उहदे ते फरदर उहनूं उहदे बेनीफिट मिलता, तो साडे बच्चे काफ़ी नैशनल लैवल ते 3-4 वारी परफॉर्म कर चुके आ जिहदे करके कि हुण अज उह इस मुकाम ते पुज्जे हैगे आ। इस तों पहलां सर ये जिहड़ी खुशी शब्दां 'च बयान नहीं कीती जा सकती, पर एक माँ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਮ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। कुछ दिन पहले अमृतसर में डीसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जो काफ़ी चर्चा का विषय रही थी, जिसके बाद लड़की ने पूरा मामला बताते हुए एक युवक पर आरोप लगाया कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया है। तो वहीं इस मामले में लड़की की पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि ये सिर्फ हनी ट्रैप का मामला है, गेम खेलने के बहाने उनके बेटे को फंसाया गया है। उक्त लड़की पर पहले से ही 6 से 7 मामले दर्ज हैं। गौरतलब रहे कि दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी, जिसके बाद परिवार वालों ने थाना में दोनों की शादी करा दी थी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो पंजाब दे विच सर उहदी कुड़ी वालों 2 FIR ने, एक अबोहर दे विच FIR है सेम 376 दी, एक अमृतसर दे विच। और फैक्ट वाली गल है कि अबोहर वाली जिहड़ी FIR उहदे विच लिखदी है कि मैनू अंश मुंटेजा जिहड़ा मुंडा है ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਬਜੀ ਰਾਹੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਪਬਜੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਆ ਗਈ। ਔਰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਇੰਨੀ ਨਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ। ਔਰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਊਡ ਫੋਟੋਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਰੇਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੇਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ 309 ਦੀ FIR ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ FIR ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੇਡੀ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ FIR ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ FIR ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ FIR 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ
सर ये मेरी थोड़े मीडिया राही अजकल के मुंडिया सारा रिक्वेस्ट है, मैं मुंडिया की गल नहीं करता, कुड़ियों की भी गल करता, चाहे मुंडे चाहे कुड़ियां है, किसी भी सोशल मीडिया से कोई भी इस तरीके इमिलेट कर रहा, पहली गल तो तुरंत ब्लॉक करो, अगर नहीं तो अपनी फैमिली नाल गल करो या उसके कानूनी कार्रवाई करो ताकि अगे तो इदा का कोई भी स्टैप लैन तो डरे। मैं थोड़े अगे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहना कि जिन्हें भी छोटे लड़के ने, यह साढ़े लड़के की एज हैगी 19 साल की, तो जोड़ा अबोर उन्हें केस किया ही, वह लड़के की 17 साल से, जड़े मीडिया के जिन्हें भी है इंस्टाग्राम से जां पबजी गेम खेलते हैं उन्होंने गुजारिश है भी इन लड़कियों तो बचा जाए, ये छोटे छोटे लड़के फसादियां ने तो उन्होंने फिर पैसों का प्रैशर पाँदियाँ ने तो सारे घर तबाह होंगे, अभी केस इस करके ला रहे हैं ताकि अगों जो लड़के ने उन्हों का बचाव हो जाए, कोई होर फैमिली की साढ़े तरह डिस्टर्ब ना हो। इंस्टाग्राम से मिले जी, हाँ जी, पहले लड़की ने इन हाई की वीडियो बना दिन शौक से इंस्टाग्राम से, इन्हें वीडियो की काफ़ी चढ़ गई जिते इन हाई दे हैलो की इन एक रिक्वेस्ट आई, इन्हें पहले की नहीं, फिर उन्हें फिर दोबारा इन प्रैशर पाया, फिर इन्हें हाई का जवाब दिता, तो फिर उन्हें क्या मैंने कॉल मी, इन्हें अगों कॉल की तो इस तरह गलबात कर ला, फिर उन्हें अपनी न्यूड फोटो अब मेरे मुंडे ने दिखाया शुरू कर दी, अगर फस्ट ईयर का लड़का है तो बच्चे फिर तुम पता अगों पिघल जाते हैं। सर अरैसट है जी 498 का परचा हो चुका है, हम बिल आई हुई, हाँ जी हाँ जी, वो फिलहाल डी डिवीजन वूमन सैल केस हो 498 का, तो इस वे अरैसट ही है। नवविवाहित गुरसिख दंपति सरदार अनमोल सिंह और बीबा जसमीत कौर ने अपने आनंद कार्य को यादगार बनाने के लिए विवाह की पार्टी व खुशी का समागम गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब गुरु तेग बहादुर नगर जालंधर में किया। इस समागम में श्री गुरु नानक देव जी का शुक्राना करते हुए उनके 556वें प्रकाश पूर्व के आगमन पर 556 पौधे और 556 कपड़ों के थैलों का लंगर लगाया गया, तो वहीं नव विवाहित जोड़े के परिवार की ओर से सरदार करणप्रीत सिंह ने अपनी ये इच्छा 13-13 हट्टी के मुख्य सेवादार तरविंदर सिंह रिंकू के साथ साझा की, जिसके बाद परिवार की ये इच्छा 13-13 हट्टी जालंधर और एक जरिया फाउंडेशन के सहयोग से पूर्ण की गई। इस सेवा में 13-13 हट्टी के मुख्य सेवादार तरविंदर सिंह रिंकू, गुरदीप सिंह कारवा, सरबजीत सिंह, प्रवीण सिंह खालसा, यादवीर सिंह, दलजीत सिंह साधु, अमनदीप सिंह, हरतरमन सिंह, मनदीप कौर और अन्य सेवादारों ने इस सेवा में अपना योगदान दिया। तो वहीं इस समागम में शहीद भाई मनी सिंह कीर्तन सेवा सोसाइटी, माता गुजरी सेवा सोसाइटी, श्री गुरु तेग बहादुर जी सेवा सोसाइटी ने अपना सहयोग दिया। इस उत्सव समागम में पूरे पंजाब से धार्मिक और सामाजिक जत्थेबंदियां शामिल हुईं। इस दौरान गतका पार्टी के नौजवानों ने भी अपने जौहर दिखाए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दैनिक सवेरा का बहुत बहुत धन्यवाद। उसका रीजन की है कि साड़ी जी आवाज़ है कल जंद दब के रहती है, तो जो मीडिया वै मीडिया एक यहोजी आवाज़ है जी आवाज़ जंद तो पंजाब, पंजाब तो इंडिया के पूरे वर्ल्ड के आवाज़ पहुँचाती है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अज अं तुम दसागे साढ़े वीर छोटे वीर का विह से उन्होंने सूँ मैसेज आया कि साढ़े विह में यादगारी बनाने वाले तुम कुछ करो। 13-13 हट्टी ने यह फैसला ना रल के सलाह की उन्होंने विह के संबंध में आनंद कार्य के संबंध में शुकराने समागम के संबंध में असी बूटे लगावे 556 बूटे लगाए गए हैं, तो नाल असी 556 थैले वंडे गए हैं, क्योंकि गुरु नानक साहब जी गुरु नानक देव गुरपुरब आ रहा है आगम पुरुष 556 से करके 556 बूटे लगाए गए हैं। उस तो अगला समागम तक छोटा दसने हैं, क्योंकि इस जंद शहर में तुम्हें पता होना कि बच्चे क्लासा पूरी स्टार्ट हो रही हैं, क्लासा के बच्चे बुक्स बहुत महंगे लेने पैंती है। अगली 7 तरीक में 10 बजे लैके 2 बजे तक कैंप लगेगा 13-13 हट्टी के बाहर, जो बुक्स बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। और सारी संगत बेनती है कि पैसे अपने घर में वेस्ट ना करके संगत पैसे लो, सारे पैसे बचाओ संगत। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु ने कृपा की, नजर की, बख्श की, दो परिवारों का विलाप होया है। बच्चा अनमोल सिंह, पुत्र सरदार सतेंद्र सिंह, बीबी जसमीत कौर, सपुत्री सरदार करतार सिंह कक्कड़, इन्हों बच्चों इस जीवन दिया खुशियां प्राप्त हुई हैं। सब कुछ साढ़े सारिया प्रबंधों वालों, सारे सेवादारों वालों, जिनी भी सात संगत आई है सारे वालों, परिवार का जिते धनवाद है, सारिया बच्चों इस समय जो इस जीवन
ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਗਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਾਹ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪਾਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਦੀਮ ਕਾਲ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਾਉ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। न्यू राधा मेकओवर सैलून मॉडल हाउस का उद्घाटन आम आदमी पार्टी की महिला विंग की उपाध्यक्ष शर्मिंदर कौर ने किया, तो वहीं न्यू राधा मेकओवर सैलून की मालकिन राधा डोगरा ने बताया कि उनके सैलून में मेकओवर के साथ साथ उनके यहां जॉब ओरिएंटेशन के प्रोफेशनल कोर्स भी करवाए जाते हैं, जैसे ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, कॉस्मेटोलॉजी आदि कोर्स करवाए जाते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि गरीब लड़कियां जिनके पास कोर्स के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हें भी निःशुल्क ये कोर्स उपलब्ध करवाएंगी। उन्होंने कहा कि ये कोर्स कर लड़कियां देश विदेश में जाकर अच्छी नौकरी पा सकती हैं और अपना व्यवसाय खोलकर आत्मनिर्भर हो सकती हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अज मैडम राधा ने राधा मेकओवर्स जरा कि इतने मौजूद प्रीतनगर के इतने इन्होंने फ्री नेल आर्ट का कैंप लगाया होया, सवेर का 9 बजे का लगा होया, तो इन्होंने उद्घाटन भी मेरे को इनविटेशन आया इन्होंने, तो बहुत ही वधिया सर्विस ने, तो बहुत देखो बाहर भी देखो सवेर इन्ना रश लगा होया कि इन्होंने सर्विस इन्नी वधिया, इन्हों का स्टाफ इन्ना वधिया कि बहुत ही ज़्यादा काम वधिया कर रहे हैं सारे ही, जिन्हें जिन्हों को पता लग रहा कि वह घूम आ के जिदा आ रहे हैं। मैडम ने एक कैंप बहुत वधिया लाया जिहड़ा अज कभी किसी ने लगाया नहीं सी हैगा। असी मैडम राधा का, उन्होंने सारी टीम का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इन्नी वधिया सर्विस दी। हेलो जी, सत श्री अकाल, मेरा नाम राधा डोगरा है। मैं मोड़ होस प्रेमनगर च न्यू राधा मेकओवर अकैडमी खोली है, जिते नीड बच्चों कोर्स कराए जाते हैं, लाइक सरकारी कोर्स करवाए जाते हैं, फ्री कोर्स करवाए जाते हैं, बेसिक टू एडवांस कोर्स करवाए जाते हैं। कुछ बच्चे लाइक फीस पे नहीं कर सकते, उन्होंने वास्ते असी बेसिक कोर्स रखे 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, और कुछ बच्चे बहुत जाना चाहते उन्होंने वास्ते भी बेसिक टू एडवांस कोर्स है। हर एक तरह का कोर्स इतने कराया जाता है बच्चों को, जे किसी बच्चे नीड है तो परसनली बिना टेंशन दे के फ्री कोर्स भी कर सकते हैं। असी गुरविंदर कौर मैम जो साढ़े पार्टी के प्रधान ने, उन्होंने असी बुलाया से इतने ओपनिंग करने वास्ते, उन्होंने साड़ी न्यू अकैडमी की ओपनिंग की है। बहुत बहुत थैंक यू कर दी उन्होंने कि उन्होंने सानू इन्ना समान दिता और साढ़े के तो इतने आए तो साड़ी कुड़िया की होर जागरूकता की, उन्होंने सलून के कोर्स करने जागरूक किया कि बच्चों सारियां सीखना चाहिए। तो इस करके मैं सारे बच्चों को कहनी हाँ कि जिदा असी अज कामयाब हाँ तो सारे बच्चे कामयाब हो। बहुत बहुत थैंक यू। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल यानी JCI की ओर से JCI जालंधर सिटी, JCI जालंधर और JCI आदमपुर प्राइड ने नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की मल्टीएल और मीट का आयोजन जालंधर के एक निजी होटल में किया, जिसमें जालंधर और आदमपुर के सदस्य मौजूद थे। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति CI जालंधर सिटी के प्रधान ऋषि बब्बर ने की। इस अवसर पर जोन अध्यक्ष JC रितेश और नेशनल वाइस अध्यक्ष ईशान अग्रवाल ने अपने संबोधन में JCI के बारे में बताया कि जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल युवा नेताओं और संस्कृतियों का एक विश्वव्यापी संघ है, जिसके लगभग 5 लाख सक्रिय सदस्य और 115 से अधिक देश में फैले हुए हैं। ये संस्था गरीब बच्चों को 5 वर्ष तक की उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी संस्था है जिससे कोई भी जुड़ सकता है जिसकी उम्र 18 या उससे ज़्यादा हो। इससे पहले भी कई इस संस्था से लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने आप में एक नया बदलाव महसूस किया है। इस अवसर पर JCI जालंधर शहर के अध्यक्ष ऋषि, JCI जालंधर की प्रमुख शारू जैन, JCI आदमपुर प्राइड के प्रमुख रविंदर सिंह, तरुण खुराना, जसमन सोमन, सुनील भल्ला, रमन कुमार, अमन चौधरी, अंकुश, हार्दिक, अमित गुप्ता, गुरेंद्र, भूपेंद्र, रातेश, जयत, मनविंदर सिंह, जसविंदर सिंह, राजन सयाल, गगनदीप सिंह, रिकी चोपड़ा, राजन लांबा, परम अरोड़ा, रजनीश, कीर्ति, पूजा आहूजा, जैस्मिन और संजय भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा
मेरा नाम जे एम जी ईशान अग्रवाल है, मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जे सी आई इंडिया, एरिया सी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ जे सी आई इंडिया से। आज मैं जलंधर आया हूँ डीसी ऑफ जलंधर और आदमपुर प्राइड की मीटिंग के लिए, यहाँ पे सभी मेंबर्स से मिलने के लिए। एज अ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हम लोग सभी मेंबर्स को मिलते हैं, और मैं यहाँ के आम जनता को कहना चाहूँगा कि जे सी आई इज अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ। आप भी अगर आपके जीवन के अंदर बदलाव चाहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहते हैं, एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, एक अच्छा मैनेजमेंट स्किल्स बनना चाहते हैं, तो जे सी आई के अंदर ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके जीवन के अंदर कई गुना बदलाव ला के आपको एक उच्चतम व्यक्ति की ओर ले जा सकती है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आओ यहाँ पर जे सी आई जलंधर, जे सी आई जलंधर सिटी की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, उस पर भाग लें और आप भी इस मुहिम में जुड़े और आपके जीवन के अंदर एक नया बदलाव लाएँ और लोगों की मदद करें। थैंक यू वेरी मच। जी सी आई जलंधर से आज हमारी मल्टी एलोमेंट की ग्रिल फेयर में, जिस हमारे बीच नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, जोन के सभी लोग, नेशनल एंड जोन के वाइस प्रेसिडेंट सारे हमारे बीच में मौजूद थे, और हमने मल्टी एलोमेंट के जिसमें कि जी सी आई जलंधर सिटी एंड आदमपुर प्राइड, तीनों एलो ने मिलकर एक शानदार इवेंट यहाँ पर किया है, जिसमें कि हमने न्यू मेम्बर्स की इंडक्शन भी किया है, कुछ मेंबर्स को बिन दिया एंड कुछ मेंबर्स ने डोनेशन करके इस मीटिंग का लुत्फ उठाया है, और हमें एनवीपी सर से बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिली हैं, हमें एक बूस्टअप मिला है कि हमने इस जीसीआई को आगे कैसे बढ़ाना है, इस एनजीओ के साथ हमें जो फ़ायदा हो रहा है, जो ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, जो हम अपने आप को अपलिफ्ट कर पा रहे हैं, वो हमने औरों के साथ भी शेयर किया, एंड उम्मीद करती हूँ हम आपके साथ मिलकर इस देश को और अच्छा ग्रो कर सकते हैं। प्लीज़ ज्वाइन जीसीआई, इट्स एन इंटरनेशनल एनजीओ। थैंक यू सो मच। पंथ और समाज की सेवा में काम कर रही जत्थेबंदी अकाल पुरख की फौज अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है, जिसके चलते 6 अप्रैल को अमृतसर के संत सिंह सुखा सिंह ऑडिटोरियम में ये समागम आयोजित किया जा रहा है। अकाल पुरख की फौज जत्थेबंदी 12 अप्रैल 1999 को तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में अरदास कर अस्तित्व में आई थी। इस मौके पर अकाल पुरख की फौज के एडवोकेट जसविंदर और ज्ञानी केवल सिंह ने बताया कि अप्रैल महीने में जत्थेबंदी को 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। वे अपने सभी सरपरस्त का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने समय समय पर उन्हें सहयोग दिया और हमेशा उनके साथ खड़े रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अप्रैल 1999 ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਵੇਮਾਨ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18,000 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ 25 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ? 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਭਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ 6 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ
समाज सेवा के पक्षों विद्या के पक्षों सिख शख्सियत की उसारी के पक्षों साडा विरसा साडे परिवार के संभाल के पक्षों सिख गौरव के पक्षों बहुत लम्मा चौड़ा काम किया। इस अरसे दौरान वख वख प्राप्तियां करदिया होया अज अकाल पुरख की फौज जिदे मुखी सरदार जसविंदर सिंह जी एडवोकेट हैं जिन्होंने श्रोमणी कमेटी के बतौरे मैंबर रहने का सुभाग भी प्राप्त होया है। अपने साथियों सहयोगियों नाल संसार भर के वसते हुए अपने हम सफरां दे नाल जथेबंदी का 25 साल जो उम्र का पड़ा है तय करन ते एक बहुत महत्वपूर्ण समागम जिहड़ा है 6 अप्रैल ते 7 अप्रैल नूं श्री अमृतसर की पावन धरती ते करवाया जा रहा है। 6 अप्रैल सनिचरवार दे दिहाड़े संत सिंह सुखा सिंह विद्यक अदारियानंद बने हुए विद्यक भवन जो मॉडर्न स्कूल विच है उत्थे बहुत महत्वपूर्ण समागम छानी दस्तार अते सिख गौरव के नां थले कीता जा रहा है। उसकी तैयारी के लिए वख वख तरह सदा पत्र दिते जा चुके हैं। अज दास अपने वालों सारियां नूं ये दसदिया माण महसूस करता है इस जथेबंदी दीयां प्राप्तियां नूं जानना सारी कौम लई बड़ा जरूरी है। आप जी भी जाणो 6 अप्रैल के समागम विच अपने नौजवान बच्चे बच्चियां नूं ताड़े पुत्र नूहां नूं नाल लै के पहुँचो तां कि जथेबंदी दे विरसे तो जाणू हो के साड़ी पीढ़ी अपनी कौमी जिम्मेवारियां लई योग बन सके। सो अपने इन्हें शब्दों नाल दस फिर सारियां नूं बड़ी आदमी सद्दा देंदा है कि आओ अकाल पुरख की फौज जथेबंदी दे 25 स्थापना दिहाड़े नूं मुख रखदिया कीते जा रहे समागमां विच ताड़ी भाईवाली तुहानूं कौम नाल जोड़न लई विरसे की चेतना ग्रहण करने के लिए बहुत लाभ देवेगी। आस है बेनती प्रवान करोगे तो जथेबंदी नाल खड़े होकर अपनिया पीढ़ियां नूं अगे वधन लई मौका दोगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माँ शीतला देवी मंदिर फिरोजपुर छावनी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बासोड़ा पर्व लोगों द्वारा बड़ी ही श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस त्यौहार के बारे में शीतला माता मंदिर कमेटी के प्रधान गुगन ने बताया कि यह त्यौहार होली के बाद आने वाले सोमवार से शुरू होकर मेले की तरह मनाया जाता है। इस दिन लोग बड़ी ही श्रद्धा से एक दिन पहले प्रसाद को बनाकर अगले दिन सुबह पूजा करने आते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस दिन शीतला माता की पूजा करने से शरीर के कई रोग कट जाते हैं। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। माता शीतला का मेला ये जदों होली आती है होली के पहला सोमवार आता है जदों कैंट के सारे ही लोग बस्ती तो कैंट तो गोविंद नगरी तो लोग इतने आ के पहले रात वासी रोटी बनाते हैं कोई मिठिया रोटियां बनाते हैं तो इतने आके माता को भोग लाते हैं। 12 बजे राती मेला शुरू हो जाता है तो सवेरे 11 बजे तक लोग दर्शन करते हैं। ना कोई लाइन टुटती ना कुछ, एवें ही मंगलवार लोग मिठी रोटियां चढ़ाते हैं माता रानी से बना के तो मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये किन्ने दिन चलता है मेला? तो 2 दिन चलता है, जोड़ा कोई रह जाता घर वो अगले हफ्ते आता है। अगले हफ्ते एवं ये सोमवार से मंगलवार मेला पर आज चैत्र मास और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि शीतला अष्टमी जिसे कहते हैं, ये शीतला माता का बड़ा प्रिय त्यौहार है। आज के दिन सभी लोग अपने घर से एक दिन पहले बासी रोटी बना के लाते हैं, मीठी बासी रोटी, और उसी का माता को भोग लगाया जाता है। उसी दिन सबके घर में भी ताजी रोटी नहीं बनती, सभी लोग बासी रोटी का ही भोग लगाते हैं, प्रसाद माता का खाते हैं। और ये माता शीतला की जो बहुत शांत प्रिय माता है ये, और इनके इसे जल से जब जलाभिषेक किया जाता है माता को कच्ची लस्सी से, तो किसी के शरीर में किसी प्रकार का कोई चर्म रोग है कोई भी रोग है वो शांत हो जाता है। भगवती की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। और ये स्कंद पुराण में भी आया है, भगवान महादेव ने जब जहर पान किया था तो उनका शरीर जल रहा था, माता ने अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें स्नान करा करके अपनी कृपा दृष्टि से उनका जहर भी शांत कर दिया था। जय करा शीतला माता दा बोल सच्चे दरबार। मेला कितने दिन चलता है? ये मेला
चैत मास जब शुरू हो जाता है, जिस दिन से चैत की संक्रांति शुरू होती है, तब से एक महीने तक पूरा लोग माता शीतला की पूजा करते हैं। हमारे मंदिर में, शीतला माता मंदिर में, तो होलियों के बाद जो सोमवार मंगलवार आता है, ये विशेष मेला होता है। इसी मेले में सभी लोग अपने घरों से बासी रोटी बना करके ले आते हैं, माता को भोग लगा करके वही प्रसाद सभी लोग अपने घर में पान करते हैं। जयकारा शीतला माता दा। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर से दोपहर 2 बजे निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा के संबंध में जन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संपर्क अभियान टीम के अश्विनी शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा और मनीष शर्मा ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर गुरु अमरदास नगर के पंडित अरविंद कौशिक, अशोक शर्मा, संदीप कुमार, पुनीत कुमार और राम कुमार दुबे, श्री आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर के रंजीत आर्य, हर्ष लखन पाल, भूपेंद्र उपाध्याय, अनिल कोहली, चौधरी हरिश्चंद्र, सुमित महाजन, सुरेश अजय बहल, संगीत मोहन आर्य, ज्योति सिंह और जसविंदर कालिया, श्री सनातन धर्म मंदिर शहीद भगत सिंह नगर के सुदेश शर्मा, माधव शर्मा और पंडित कन्हैया लाल शर्मा, संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम जालंधर के अमन बग्गा, यशपाल शर्मा, विकास जोशी, अनिल द्विवेदी, सुरेंद्र शर्मा, अशोक गुप्ता, प्रदीप भाटिया, डॉक्टर गिरीश सप्रा, ईशान नवीन, पूनम जोशी, पूनम कक्कड़, सोनू रजनी, वीना और सुभद्रा सहित प्रसिद्ध समाज सेवक एवं उद्योगपति दीपक सूरी से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को ये विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। श्री स्वर्ण मंदिर देवी तालाब मंदिर से श्री राम नवमी शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें सभी राम भक्त श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, सम्मिलित हों। जय श्री राम। बहुत ही शुभ दिन है आज। हमें इस रामनवमी कमेटी के ने अपना दैनिक सवेरा से शीतल जी ने बहुत ही हमें सम्मान दिया है, जो हमें 16 तारीख जो रामनवमी की शोभा यात्रा है उसके ऊपर हम सभी को संदेश भेजा है। मैं इसको आमंत्रण नहीं कहूँगा, ये उनका निमंत्रण है जिन्होंने हमें बुलाया। हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके संरक्षण हुए हम इस शोभा यात्रा में भाग लेंगे। भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव है, रामनवमी है, बहुत ही पवित्र त्यौहार है। हम हिंदुओं सनातनियों के लिए, नवीन सनातनियों के लिए बहुत ही पवित्र त्यौहार है और देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। मैं अपनी पूरी टीम के साथ सौभाग्यशाली हूँ, वहाँ पहुँचने के साथ मैं अवश्य पहुँचूंगा और अपने परिवारों के साथ में अवश्य लेकर आऊंगा। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं दैनिक सवेरा का, विशेष अपने दोनों भाइयों का, प्रधान रमन जी का, जो कि हमारे बीच में आए और हमें इन्होंने ये स्मृति चिन्ह देकर आदर हमारा किया। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। हाँ जी भाई, मैं बहुत ही सम्मान महसूस करते हैं हम इस सनातन धर्म मंदिर श्री भगत सिंह नगर द्वारा। प्रधान श्री सुरेश शर्मा जी हमारे साथ खड़े हैं, आदरणीय पंडित कन्हैया लाल जी, उनके सुपुत्र माधव शर्मा भी हमारे बीच में खड़े हैं और हमें विशेष जो आमंत्रण मिला है, निमंत्रण मिला है शीतल बिज जी से, दैनिक सवेरा से, हलचल से, जिन्होंने कि हमें सम्मान दिया है कि हम 16 तारीख को रामनवमी की शोभा यात्रा पर आकर अपनी उपस्थिति दे सके। मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी अपने गृहस्थ मित्रों द्वारा, सगे संबंधियों द्वारा और अपने परिवार को लेकर अवश्य प्रभु श्री राम की रथ यात्रा में अवश्य जाएं। ये यात्रा
देवी तालाब से शुरू होकर देवी तालाब पर ही समाप्त होगी और मेरी आप सभी से आराधना है और विशेष अनुरोध है कि आप अवश्य 16 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह सुबह ही देवी तालाब मंदिर जाकर पहुंचे और प्रभु राम की जो ये यात्रा है उसका आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। आदमपुर में तेज रफ्तार बस खेतों में पलटी, सवारियों में मची चीख पुकार। सीआईए स्टाफ जालंधर देहात की पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 150 ग्राम हेरोइन की बरामद। अमृतसर के थाना सदर और सिविल लाइन की पुलिस ने अलग अलग केसों में 6 आरोपियों को किया काबू, तेजधार हथियार, मोबाइल फोन, एक्टिवा और लैपटॉप किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।